नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्लेटिना है। तो दोस्तों, इसके मैं अगली ब्रेक शू डाल के दिखाने वाला हूँ किस तरह अगली ब्रेक शू आप डालें। आप कोई सी भी गाड़ी हो, प्लेटिना हो, स्प्लेंडर हो, आपकी सुपर स्प्लेंडर हो या कोई स्कूटी हो, सेम तरीके से ब्रेक शू डालेंगे जिस तरह मैं डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके जो तार है ये आप जहाँ मैंने उंगली रखी है दोस्तों, ये तार सबसे पहले खोलना पड़ेगा। और ये दोस्तों लास्ट, अब ये लास्ट हो चुके हैं, लास्ट का आपको पता लगाना है। आपको नज़र आ रहा होगा ये तार बिल्कुल लास्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं होंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो, मेन मेन वीडियो। सबसे पहले तार खोलें। इसका जो तार है वो 14 नंबर की चाबी और प्लास से खुलेगा। ये आसानी से ना खुले तो दोस्तों आपको प्लास और 14 नंबर की चाबी का यूज़ करना पड़ेगा। आपको प्लास से आगे तार पकड़ना पड़ेगा और 14 नंबर की चाबी या गोटी से आपको इसको ढीला करना पड़ेगा धीरे धीरे। और उसके बाद दोस्तों, ये जो टायर का नट आपको दिख रहा है 17 नंबर का, इसको खोलना पड़ेगा। 17 नंबर की चाबी या पाने से या गोटी से आप किसी से भी खोल सकते हैं जिसका, जो आपके पास हो। और जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपको निकल जाएगा ये कुछ इस तरह। और ये हमारे दोस्तों देख रही हैं एक्सल निकल चुका है। एक्सल निकालने के बाद कुछ इस तरह ये हमारे जो टम्पलेट है आगे की वो भी निकल जाएगी और ये बाहर आ गया है। अब ये दोस्तों हमारे ब्रेक शू हैं जो कि जिससे हमारी ब्रेक पकड़ती है और ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाने चाहिए दोस्तों। जैसे ही आपके हार्ड हो जाए ब्रेक शू तो आपको ऑटोमेटिक इसको चेंज करवा देने चाहिए। जब तक तार पीछे हो जाए बिल्कुल लास्ट तक तो आपको इसको चेंज करवा देने चाहिए। और ये हमारे हैं ब्रेक शू, इसकी हम स्प्रिंग निकाल लेते हैं। ये स्प्रिंग कुछ इस तरह निकल जाएगी। हर गाड़ी का सेम ही होता है दोस्तों ज़्यादातर, लेकिन ब्रेक शू अलग होता है, लेकिन डालने का तरीका दोस्तों सेम ही होगा। आप इस वीडियो को देख के किसी भी गाड़ी में ब्रेक शू डाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ जो कैम है इन दोनों जगह ऑयलिंग कर दीजिए, यहाँ और पीछे की साइड दोनों जगह ऑयलिंग करेंगे तो इसकी जो कैम है ये चीज़ है ये फ्री चलनी चाहिए। अगर फ्री नहीं चलेगी तो टायर जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये देख रहे हैं इसके अंदर कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कटिंग है इसके अंदर तो दोस्तों आपको खराद वाले के पास ले जाके इसके अंदर लेदर भरवाना पड़ेगा। लेदर भरवाए बिना बात नहीं चलेगी। अगर आपका सही है तो इसके अंदर रेगमाल मार लें और सिंपल रेगमाल यूज़ करें, हार्ड वाला रेगमाल ना यूज़ करें। मैं यही हिदायत देता हूँ आपको। और इस तरीके से कुछ आप रेगमाल मार लें चारों तरफ इसके अंदर। और ये मारने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हवा या कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जो कि जो इसका घिसापन है वो बाहर निकल जाए। ये हमारे ब्रेक शू हैं। और ये ब्रेक शू दोस्तों ESK कंपनी के हैं जो कि ESK बहुत जानी मानी कंपनी है। हर चीज़ वो बनाती है, ब्रेक शू वगैरह, डिस्पैड वगैरह सब उसका आइटम आता है। ESK कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आप या तो बजाज के इस्तेमाल करें या तो ESK के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बजाज के हो तो ज़्यादा बेटर है। और कुछ इस तरह इसमें स्प्रिंग लग जाएगी। इसमें स्प्रिंग लगने के बाद दोस्तों इसको उसमें फिट कर लें। ये कुछ इस तरह फिट हो जाएंगे। ये दोस्तों फिट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये जो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कैम है इसको हमें और ढीला करना पड़ेगा इसके तारों को, वरना ब्रेक शू अंदर नहीं जाएंगे। ये वाली ये जब तक बिल्कुल सीधी नहीं होगी जब तक इसके ब्रेक शू अंदर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लें। सबसे पहले इसको खोल लें नट को, ब्रेक वाले को। इसे खोले बिना जो है नहीं जाएगी अंदर ब्रेक शू, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये दोस्तों इसके अंदर ब्रेक शू नहीं जा रहे हैं, देखिए ये देखिए ब्रेक शू नहीं जा रहे हैं दोस्तों। हमें इसका जो नट है ब्रेक का वो खोलना पड़ेगा। और ये हल्का सा हमने और ढीला कर लिया है। अब ये ढीला करने के बाद दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये और सीधी हो गई है, लेकिन दोस्तों सीधा करना पड़ेगा बिल्कुल। चलिए उतने पे भी जाएंगे, पर ये देखिए हमें अपना और सीधा कर लिया है इसे।
अब ये बड़ी ही आसानी से अंदर फिट हो गए हैं। अब ये फिट हो जाने के बाद हम इसका टायर लगाते हैं, और एक्सल पे ऑयल या ग्रीस ज़रूर लगा लें फिट करने से पहले। अभी दोस्तों देख रहे हैं एक्सल जो है हमारा एक्सल जो है हमारा दोस्तों आ चुका है, ये देखिए। अब एक्सल आने के बाद दोस्तों इसका जो नट है वो लगा लें, जो टायर का एक्सल का मेन एक्सल का जो नट है उसको टाइट कर लें। ये 17 नंबर की चाबी या पाने से आपका बड़ी आसानी से टाइट हो जाएगा। अगर आपके पास स्प्लेंडर है तो उसके लिए दोस्तों 18 नंबर का पाना यूज़ होगा, 18-19 का, तो उसमें 19 नंबर का नट होता है, तो 19 के पाने से आपका नट खुलेगा। अगर आपके पास स्प्लेंडर है, अगर आप ब्रेक शू स्प्लेंडर का चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 17 नहीं लगेगा। अरे ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम इसको तार को लगा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं तार इसमें नहीं आएगा, तो हमें इसकी जो कैम है वो आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही लगाएंगे तो दोस्तों एक दो बार ब्रेक मारने में इसका जो नट है वो निकल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये आएगा नहीं इतनी जल्दी। अब हम इसको खोल लेते हैं, इसको हम एक दांता कैम को आगे करते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेन नट इसका खोल लें, जो कैम का नट है। अब दोस्तों इसको कैम को हल्का सा बाहर निकालें, आप पेचकस की मदद ले सकते हैं। ये दोस्तों इतने पे हमें करना पड़ेगा, अगर उतने पे ही करते हैं तो नहीं आएगा, तो हमें ऐसे ही इसको टाइट करना पड़ेगा, यहाँ बात नहीं बनेगी, तो हमें इसको एक दांता और आगे करना पड़ेगा। अब हम इसका जो ऊपर का नट है वो लगा लेते हैं। ऐसा दोस्तों आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्विस में ये आगे तक पहुँच जाएगा, तो आप इसकी कैम एक बार और पीछे करा लीजिएगा, तो आपको सेटिंग में आ जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। अब इसका कैम का नट टाइट कर लेते हैं। अब इसका जो ब्रेक का तार है इसको टाइट कर देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर स्प्रिंग, जो कि ज़रूरी है बहुत, और उसके बाद हम इसमें नट लगा देते हैं। और उसको अपने मुताबिक टाइट कर लीजिए। टायर फ्री रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह टायर रहना चाहिए। ये दोस्तों हमारा फिट हो चुका है, और ये देखिए टायर बिल्कुल फ्री है और ब्रेक भी एकदम सही पकड़ रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको दिक्कत परेशानी तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो हमारा ब्रेक शूट लग गए, धन्यवाद दोस्तों।